दोस्तों 10,000 से भी ज्यादा तालिबानी पाकिस्तान में घुस चुके हैं। देखते ही देखते तालिबान की गुंडे पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार छीन गए। आखिर यह सब कैसे हुआ और क्यों तालिबानी अपनी जान बचाकर पाकिस्तान में घुसपैठ कर रहे हैं? दरअसल भारतीय दोस्त अमरुल्ला साले अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं, जिसके बाद पूरे अफगानी फौज के अंदर नया जोश भर गया। अब यह भारत का नया दोस्त कौन है, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे बात करेंगे। अफगानी सैनिक एक बार फिर से तालिबानियों को मार रहे हैं। देखते ही देखते हजारों तालिबानियों को मारा जा चुका है और अब तालिबानी अपनी जान बचाकर पाकिस्तानी सेना पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि इस मुसीबत की घड़ी में पाकिस्तानी सेना तालिबान का साथ नहीं दे रही। भारत से भी लाखों सैनिकों को भेजने का ऐलान किया जा रहा। पीएम मोदी खुद अफगानिस्तान के मसले को बेहद बारीकी से देख रहे हैं। उन्होंने सेना अध्यक्ष को खुली छूट दे दी है कि दोस्त की मदद के लिए जो भी संभव हो वो किया जाए। लाखों संख्या में भारतीय सेना को आता देख तालिबान अब पाकिस्तान में घुस रहे। हालात इमरान खान की कंट्रोल के बाहर जा चुका है। इमरान खान मदद के लिए जो बाइडेन को फोन लगा रहे हैं, लेकिन जो बाइडेन उनका फोन रिसीव नहीं कर रहे। दोस्तों जो पाकिस्तान ने जिंदगी भर आतंकवाद फैलाने का काम किया और अब उसी तालिबान के आतंकियों ने पाकिस्तान को फाड़ दिया और यह सब भारत के दोस्त की खौफ के कारण संभव हो पाया। अमरुल्ला साले भारत का भरोसेमंद दोस्त है, जिसने पाकिस्तानी परवेज मुशर्रफ की नीचे उठा दी। अमरुल्ला साले ने भी बहुत संघर्ष किया। उनके पिता ने सोवियत यूनियन की ध्वजा उड़ा दी, उनकी बहन को तालिबानियों ने बेरहमी से मार डाला था और आज उसी बदले की आग उनकी धड़कन में धड़कती और आज वही जोश से बाकी से अफगानी सैनिकों के अंदर देखा जा रहा है, जिसको देखते ही देखते हजारों तालिबानियों को मौत की घाट उतार दिया गया। अफगानिस्तान में विध्वंसक गृह युद्ध होने वाला है, लेकिन जीत भारतीय दोस्ती ही होगी, क्योंकि उसके साथ अमेरिका, भारत और लगभग आधी दुनिया। इसी बीच इस वक्त पाकिस्तान ने घर का राह न घाट रहा, सब ने पाकिस्तानियों को मार डाला। इज्जत और जान बचाकर इमरान खान लंदन भागने की फिराक में। कुछ सप्ताह में ही पाकिस्तानी सेना तालिबानियों के सामने सरेंडर कर सकती है। जानकार बताते हैं कि पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने के लिए देश को धोखा देकर सरेंडर करने में एक्सपर्ट है। जैसे कि आपने बांग्लादेश के निर्माण के वक्त देखा था कि कैसे भारतीय सेना के सामने पाकिस्तानी गद्दार सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था। पाकिस्तान में तालिबान राज जल्दी देखने को मिल सकता है और इसी बीच भारत भी अपना पीओके वापस ले सकता है। दोस्तों माहौल बिगड़ता जा रहा है, अब तालिबान भारत की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। अभी अभी खबर आ रही है कि भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी जी ने सेना को खुली छूट दे दी है और देखते ही देखते लाखों भारतीय सैनिक काबुल में घुस सकते हैं। इस वक्त भारत का दोस्त काबुल की गद्दी पर बैठा हुआ है, जिसका नाम है अमरुल्ला साले और यह भारत का ऐसा दोस्त है जिसने पाकिस्तान को पहले कई बार धूल चटाई। कुछ भारतीय टुकड़े टुकड़े गैंग का मानना है कि आने वाले समय में तालिबान भारत की तरफ भी आ सकता है और जिस प्रकार से भारत में मुगलों ने शासन किया था, उसी प्रकार तालिबान भी शासन कर सकता है। इसी कारण कुछ जाने माने अनपढ़ गवार लोग तालिबान की प्रशंसा में अनाप शनाप बक रहे हैं। लेकिन भारत तक पहुंचने से पहले तालिबान को पाकिस्तान से निपटना पड़ेगा, क्योंकि इमरान खान हरगिज नहीं चाहेंगे कि उनके देश के अंदर घुसपैठ हो जाए और तालिबान उनका काट के ले जाए। अगर तालिबानी गुंडों द्वारा पाकिस्तान में घुसपैठ होता है तो सबसे पहले इमरान खान का मर्डर हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आप। इस वक्त तालिबान का अगला टारगेट इमरान खान की मौत ही है। तालिबान ने साफ साफ ऐलान कर दिया कि पाकिस्तान में सैया कानून भी लागू होगा, मतलब कि पाकिस्तान को तालिबान की बात माननी पड़ेगी, नहीं तो पाकिस्तानी लोगों को अफगानियों जैसा हालात होगा। जानकार बताते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लोकतंत्र से तालिबान बिल्कुल नाखुश है। पाकिस्तान के अंदर महिलाएं खुलेआम छोटे कपड़े पहनकर घूमती हैं, जो तालिबान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इन्हीं कारणों से अब तालिबान का वर्चस्व पाकिस्तान में बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार तालिबान की वापसी से भारत में कुछ लोग खुश हैं, उसी प्रकार पाकिस्तान के अंदर भी कुछ लोग मिठाइयां बांट रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में उन्हीं लोगों के बहन और बेटियों से तालिबान मिठाइयां छीन लेगा और फिर उसके बाद क्या क्या होगा, यह आप सभी अच्छे से जानते हैं। दोस्तों आखिर तालिबान ने 15 साल से ऊपर लड़कियों और महिलाओं की लिस्ट क्यों बनवाई है? इसके पीछे बेहद काला कांड होने वाला है, जिसकी भनक भी दुनिया को नहीं लगेगी, क्योंकि अब तो अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हो गया है और अब देखते ही देखते तालिबान पाकिस्तान पर धावा बोल चुका है। तहरीक तालिबान का सबसे खूंखार आतंकवादी अफगानिस्तान की जेल में बंद था, लेकिन अब वह बाहर आ चुका है और उसका एकमात्र मकसद है इमरान खान की हत्या और पाकिस्तान में सैया कानून को लागू करना। पाकिस्तान में तालिबान के बढ़ते व चर्चे को देखते हुए जनरल बाजवा देश छोड़कर भागने की फिराक में है।
क्योंकि अगर वह तालिबान के हाथों लग गया तो उसकी भी हत्या निश्चित है। पाकिस्तानी सेना ने पिछले 20 सालों से अमेरिकी सेना के साथ मिलकर तालिबानियों को बेहद परेशान किया है और अब इसी कारण तालिबान पाकिस्तानी सेना से भी बदला लेना चाहता है। दोस्तों, जब पाकिस्तान में तालिबान का शासन हो जाएगा तो वहाँ की महिलाओं की क्या हालत होगी, आप जरा इस घटना से समझिए। एक 25 वर्षीय अफगान लड़की ने तालिबान आतंकवादियों की क्रूरता पर आपत्ति बताई तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। लड़की का कहना है कि यह घटना 12 जुलाई 2021 की है। नाजिया, जो कि एक 3 छोटे बच्चे और एक बेटी के साथ उत्तरी अफगानिस्तान के छोटे से गांव में रहती थी, तालिबान लड़ाकों ने उसकी घर में घुसकर हत्या कर दी। इस घटना को याद करते हुए नाजिया की 25 वर्षीय बेटी मनीजा बताती है कि करीब 15 तालिबानी लड़ाकों ने घर में घुसकर जबरन खाना बनाने के लिए माँ पर दबाव डाला था। मनीजा ने CNN को बताया कि मेरी माँ से डरते हुए उसने कहा कि मैं बेहद गरीब थी, मैं आपके लिए खाना कैसे बना सकती हूँ। बकौल मनीजा, इतना सुनते ही उन्होंने माँ को पीटना शुरू कर दिया। मेरी माँ गिर गई और उन्होंने उसे अपनी AK-47 राइफल से जमकर मारा। जब मैंने लड़ाकों को रोकने की कोशिश की तो उन्होंने कमरे में ग्रेनेड फेंक दिया और आग की लपटों के बीच हमें छोड़कर भाग गए। हादसे में माँ की मौत हो गई। गौरतलब है कि इस घटना को अभी बहुत दिन नहीं हुए, ये वारदात इसी साल 12 जुलाई को हुई। नाजिया के घर पर हुआ घातक हमला उस खतरे का एक डरावना सच है जो तालिबान के काबुल पर कब्जा करने के बाद अब पूरे अफगानिस्तान के लोगों के सिर पर मंडरा रहा। सुरक्षा कारणों से पीड़ितों के बदले हुए नामों का प्रयोग किया गया। आपको बता दें कि जब तालिबान ने आखिरी बार 1996 और 2001 के बीच अफगानिस्तान पर शासन किया तो उन्होंने लड़कियों के स्कूल बंद कर दिए और महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। 2001 में अमेरिका के दखल के बाद महिलाओं पर प्रतिबंधों में काफी ढील दी गई। ऐसे में अब जब एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान का राज आ गया है, महिला अधिकारों की चिंता दुनिया को सताने लगी है। हालांकि इस बार तालिबान एक अफगान समावेशी इस्लाम सरकार बनाने का वादा कर रहा है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि यह कौन सा रूप लेगा। अफगान संसद की सदस्य के रूप में कार्यरत फरजान कोचाई का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि आगे क्या होगा। CNN के मुताबिक तालिबान के प्रवक्ता सुहेल शाही ने कहा कि तालिबान के तहत लड़कियों को पढ़ने की इजाजत दी जाएगी, स्कूल खुले रहेंगे और लड़कियां महिलाएं शिक्षक के रूप में या स्टूडेंट्स के रूप में स्कूल जा सकेगी। लेकिन जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों की कहानियां एक अलग तस्वीर पेश करती है, क्योंकि तालिबान का इतिहास इन सब के खिलाफ रहा है। मालूम हो कि जब तालिबान ने आखिरी बार अफगानिस्तान को कंट्रोल में लिया था तो उसके आदेशों की अवहेलना करने वाली महिलाओं को पीटा गया था, हत्या की गई थी और जबरन शादी भी कराई गई थी। धार्मिक विद्वान, सरकारी अधिकार, पत्रकार, मानवाधिकार रक्षक और महिलाओं की सबसे ज्यादा हत्याएं हुई थी। ऐसे में अफगानिस्तान के भविष्य को लेकर दुनिया की निगाहें अब तालिबान पर टिकी है।